प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए थे बनाने के लिए, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की थ्योरी को भी देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, कलेक्ट आपको पता है कि पेज नंबर है 170, आरपी सिन्हा की बुक है, तो पहले होमवर्क को चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट ऑल द डाटाज केयरफुली केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टाज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने सेट किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटाज और डिक्टाज का यूज किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया था, वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास दैट हम लोग, एक शब्द हमारे पास होता है डैटम, याद कीजिए जरा, ध्यान में होगा आपको डैटम, और डैटम का प्लूरल क्या होता है, डाटा। ठीक उसी प्रकार एक शब्द होता है डिक्टा और डिक्टम, और डिक्टम का प्लूरल क्या होता है, डिक्टा। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास प्लूरल बनाने के तरीका है, लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएम लगा रहता है, जब उनको प्लूरल बनाते हैं तो यूएम को ए से रिप्लेस कर देते थे। इसलिए आप यहां पर देख सकते हैं, कलेक्ट ऑल द डाटाज केयरफुल्ली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टाज, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस। चूंकि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है तो इसको करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट करने के लिए आपको ये डाटाज को डाटा और डिक्टाज को डिक्टा में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप दो काम कर लेते हैं कि आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेस्ट दीज स्ट्राटाज ऑफ द अर्थ। आप इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन से एक ही पैटर्न पर है, आधारित है, बेस्ड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्राटाज। जैसा कि हम जानते हैं कि पुल बनाने के लिए इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं, लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएम लगे रहते हैं, नॉर्मली जब उनको प्लूरल बनाते थे, हालांकि कई ग्रुप्स में वर्ड्स को बांटे गए हैं, तो आप स्ट्रैटम की प्लूरल की जब बात आती है तो स्ट्रैटम का प्लूरल स्ट्राटास करके नहीं बनाते थे, इसका प्लूरल होता है स्ट्राटा। ये खुद प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है, स्ट्रैटम सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है स्ट्राटा। तो अब इसमें एसआईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये इनकरेक्ट था, अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेंडुला ऑफ दीज क्लॉक्स आर नॉट इन ऑर्डर। चलिए यहां पर देखिए क्या है, पेंडुला है। आपको जैसा कि पता है कि एक शब्द होता है पेंडुलम, और जब इस पेंडुलम को प्लूरल बनाने की बात आती है तो इसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं पेंडुलम्स करके, आप पेंडुलम का प्लूरल पेंडुला करके नहीं बनाते हैं। तो यहां पर आप पेंडुला का यूज नहीं कर सकते हैं, लैटिन ग्रीक भाषा के शब्द जिसके अंदर में यूए लगे हुए होते हैं उनके, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, और दोनों कैटेगरी के प्लूरल बनाने का तरीका अलग अलग है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा। तो पेंडुला जो है वो यूज नहीं होता, जब भी यूज होता है तो पेंडुलम है सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या होता है, पेंडुलम्स करके आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डाटाज हैव बीन प्रिपेयर्ड। इस क्वेश्चन को भी देखिए, और शायद क्वेश्चन देख करके आपको पता चल गया होगा कि गलती कहां पर है, एरर कहां पर है। तो आई थिंक यू नो डाटाज, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, एज फार एज द करेक्ट वर्ड इज कंसर्न, यू नो यहां पर आपको डाटा का यूज करना पड़ता है, डेटम का प्लूरल डाटा होता है। हालांकि हम लोगों ने चर्चा किया था डाटा के बारे में कि मॉडर्न ग्रामर में डाटा का प्रयोग ही सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन डाटाज का यूज नहीं होता, ये तो आपको पता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू
नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द मीटिंग। क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एजेंडम्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक शब्द होता है एजेंडम, और जब इसके पुलल की बात आती है तो इसका पुलल होता है एजेंडा। हालांकि हम लोगों ने एक बात और चर्चा किया था कि मॉडर्न ग्रामर में एजेंडा का प्रयोग ही सिंगुलर पुलल दोनों फॉर्म में होता है, लेकिन तत्काल आप एक बार जान लीजिए कि एजेंडम्स का यूज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये सभी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने पिछले क्लास में सेट किया था और बोला था आपको सॉल्व करने के लिए। शायद आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो देखिए इसके आंसर्स हैं। लेकिन आज फिर थ्योरी को प्रोसीड करते हैं और आज के क्लास में कुछ आगे की चीजों को देखेंगे। बस आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज भी हम लोग लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों पर ही चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका वोकैबुलरी प्योर नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में दुनिया के तमाम भाषाओं को शब्द, दुनिया के तमाम भाषाओं से शब्दों को लिया गया है। और जहां तक अंग्रेजी भाषा को प्रभावित करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी भाषा ने इंग्लिश भाषा को प्रभावित किया है तो वो है लैटिन भाषा। ठीक है, तो हम लोग आज उसी प्रकार के लैटिन भाषा के शब्दों पर ही चर्चा कर रहे हैं। फिर हम एक बार चलते हैं लैटिन वर्ड्स पे चलते हैं। हालांकि ये शब्द इंग्लिश के वर्ड हो गए, लैटिन वर्ड्स की हम चर्चा करेंगे। कुछ शब्द हम लिखते हैं फिर देखिए, फिर इसको हम बताते हैं किसके कंडीशंस क्या है। ओके, चलिए एक शब्द आप देख सकते हैं, लोकस। इट्स ओके। नाउ अनदर वर्ड इज रेडियस। इट्स ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जीनियस। द नेक्स्ट वर्ड इज सिलेबस। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। एक वर्ड होता है फंगस। नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूमिनस। एल्यूमिनस, इन शब्दों को देखिए, ध्यान से देखिए, सी दीज वर्ड्स केयरफुल्ली। ये शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। हालांकि अब इन शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से फ्रिक्वेंटली इंग्लिश भाषा में यूज होता है। आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि यहां पर सभी शब्दों के अंत में आपको यूएस लगा हुआ मिल जाएगा। हम वैसे शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जो लैटिन भाषा से हैं, परंतु उनके एंडिंग्स में क्या रहता है, यूएस लगा रहता है। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग द वर्ड्स, दे आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेजेस, लैटिन लैंग्वेज, एंड नो डाउट एवरी वर्ड हैज यूएस इन इट्स एंडिंग। प्रत्येक वर्ड के अंत में यूएस लगा हुआ है। मतलब अभी हम जिन शब्दों के ग्रुप पे चर्चा कर रहे हैं ये सभी शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन लैटिन भाषा के वैसे शब्द जिनके अंत में क्या लगा हुआ है, यूएस लगा हुआ है। यू कैन सी, अब देखिए होता क्या है, लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएस लगे रहते हैं ये वर्ड सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, मतलब ये सभी वर्ड क्या है, सिंगुलर हैं। दीज वर्ड्स आर सिंगुलर। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नाउन पे काम कर रहे हैं, तो जब जब बात नाउन चैप्टर की आती है तो नाउन चैप्टर में सिंगुलर से प्लुरल बनाने की बात आती है। तो दीज आर द वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। यू नो, आपको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि लैटिन भाषा के वैसे शब्द जिसके अंत में यूएस लगे रहते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको प्लुरल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको बताते हैं। तो लैटिन भाषा के वैसे शब्द जिनके अंत में यूएस लगे रहते हैं, वर्ड सिंगुलर होते हैं, इनको प्लुरल बनाने के लिए यूएस को आई से रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, यूएस को आई से रिप्लेस किया जाता है। यानी लोकस है ये सिंगुलर है, ये तो आपको पता है। इसका हम प्लुरल करेंगे तो लौकी, लौकी, रेडियस, रेडियाई, जेनियस, जेनियाई, सिलेबस, सिलेबी, फंगस, फंगी और एल्यूमिनस, एल्यूमनी, ये इसके प्लुरल होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, सिंगुलर हैं। लोकस, रेडियस, जेनियस, सिलेबस, फंगस, एल्यूमिनस, जो भी ये सिंगुलर है, लोकी, रेडियाई, जेनियाई, सिलेबी, फंगी और एल्यूमनी, ये सब वर्ड क्या है, ये सब प्लुरल वर्ड है। मतलब लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएस लगे रहते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनको प्लुरल बनाने के लिए यूएस को आई से रिप्लेस किया जाता है। इस बात को हम लिखते भी हैं जरा, द वर्ड्स फ्रॉम
द लैंग्वेज लैटिन हैविंग, क्या लिखा मैंने, हैविंग यूएस, यूएस मतलब वर्ड है, इन द लास्ट आर सिंगुलर लैटिन, लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएस लगे रहते हैं वो सिंगुलर होते हैं, एंड टू मेक देम प्लूरल, उनको प्लूरल बनाने के लिए यूएस इज रिप्लेस्ड बाई आई। यूएस को किससे रिप्लेस किया जाता है, आई से रिप्लेस किया जा सकता है, किया जाता है। आप देख सकते हैं लोकस है एल ओ सी यूएस, एल ओ सी यूएस, यहां पर देख सकते हैं यूएस लगा हुआ है, ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में थरले से इसका यूज होता है, इट्स सिंगुलर, सिंगुलर है, तो जब इसके प्लूरल बनाने की बात आएगी तो हम इसको यूएस को आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। उसी प्रकार रेडियस है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यूएस को आई से रिप्लेस कर देंगे, जेनियस है यूएस को आई से रिप्लेस कर देंगे, सिलेबस है यहाँ पर यूएस को आई से रिप्लेस कर दिए, फंगस है यूएस को आई से रिप्लेस कर दिए, एल्यूमिनस है यूएस को आई से रिप्लेस कर दिए। तो ये सभी शब्द सिंगुलर और ये सभी शब्द क्या है, प्लूरल है। फिर से एक बात में बार में इस थ्योरी को रिपीट कर रहा हूँ कि लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएस लगे रहते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जब उनको प्लूरल बनाने की बात आती है तो यूएस को आई से रिप्लेस कर देते हैं। इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, एंड थ्रू दिस प्रोसेस वी कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इनटू सिंगुलर फॉर्म्स, हम ऐसे सॉरी इनटू प्लूरल फॉर्म्स, हम ऐसे सबको प्लूरल फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो सिंगुलर के रूप में लोकस, रेडियस, जेनियस, सेलेबस, फंगस और एनुमिनस करके यूज करते हैं, प्लूरल की बात आती है लोकी, रेडियाई, जेनियाई, सेलेबी, फंगी और एलमनी का यूज करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ कंडीशंस है ऐसे शब्दों के, भाई कंडीशंस क्या है तो देखते हैं कि किन शब्दों के साथ क्या कंडीशन है। लेकिन तत्काल आप इतना जानिए ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं, इनके अंत में यूएस लगे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, एंड वी हैव द प्रोसेस, थ्रू दिस प्रोसेस वी कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू प्लूरल, हम इन शब्दों को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इट्स ओके। तो चलिए आगे बताते हैं कुछ कंडीशंस हैं इन शब्दों के साथ, जिन कंडीशंस को हम आपको दिखाते हैं और देखिए समझिए, ताकि होमवर्क जब सेट किया जाए तो होमवर्क को आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए देखिए एक कंडीशन क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया एक शब्द जीनियस, कोई शक नहीं ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका प्लूरल मैंने आपको बताया कि इसका प्लूरल होता है जेनियाई, इट्स ओके। लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूं कि जेनियस शब्द के दो प्लूरल होते हैं, कितने प्लूरल होते हैं, दो प्लूरल होते हैं, मतलब जेनियस के प्लूरल जेनियाई भी होते हैं और जेनियसेस भी होते हैं। द वर्ड जेनियस हैज टू प्लूरल, एक होता है जेनियाई और दूसरा होता है जेनियसेस। लेकिन एक सवाल उठेगा कि क्या दोनों के यूज में कोई अंतर है या फिर दोनों जो है वो इक्वल यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, दोनों के यूजेस में अंतर है थोड़ा सा। वर्ड हमारा जेनियस है, जेनियस के बारे में हम बात करेंगे, इसके दो प्लूरल होते हैं और दो प्लूरल क्या है, एक होता है जेनियाई और दूसरा होता है जेनियसेस। मतलब एक जगह आप यूएस को आई से रिप्लेस कर रहे हैं, एक जगह यूएस को रहने दे रहे हैं, ईएस को ऐड कर रहे हैं, ये प्रोसेस है। अब यूज क्या है, तो देखिए जब हम लोग नॉर्मल लोगों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किसी नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, एक होता है कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, और एक होता है कि नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम किसी को प्रतिभाशाली बोलते हैं तो ऐसे स्थिति में प्लूरल के रूप में हम जेनियाई का यूज करते हैं। लेकिन जब हम महान व्यक्ति की बात करते हैं, किसी महान व्यक्ति की प्रतिभा की बात करते हैं और उनके लिए प्लूरल का यूज करेंगे तो वहां पर हमको किसका यूज करना पड़ेगा, तो जेनियसेस का यूज करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के तौर पर ये जेनियस सिंगुलर है, ये सिंगुलर के फॉर्म में कोई कंट्राडिक्शन नहीं, आप सिंगुलर को किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब प्लूरल की बात आएगी तो कैसे यूज करेंगे, जरा इस बात को ध्यान से देखिए। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, मोहन एंड सोहन आर जेनियाई। देखिए यहां पर हम जेनियाई का यूज करेंगे, क्योंकि मोहन और सोहन क्या है, कॉमन पीपल है, नॉर्मल लोगों की बात हो रही है और इसके प्रतिभा की बात कर रहे हैं। यानी जब नॉर्मल लोगों के टैलेंट की बात करते हैं, नॉर्मल लोगों के प्रतिभा की बात करते हैं तो जीनियस का प्लूरल जेनियाई हो जाता है। लेकिन जब हम किसी महान लोगों के प्रतिभा की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में जीनियस का प्लूरल जेनियसेस हो जाता है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वेयर
डैश। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन में आ गया जीनियाई और जीनियसिस, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपको जीनियसिस के साथ जाना पड़ेगा। फिर से इस बात को समझिए, हम लोग लैटिन भाषा के शब्दों की के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एक शब्द है जीनियस, और मैं बता दूं कि लैटिन भाषा का शब्द है परंतु ये सिंगुलर है, ठीक है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि लैटिन भाषा का शब्द जिसके अंत में यूएस लगा रहता है उसके पुल्लिंग बनाने का तरीका होता है कि यूएस को आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमने रिप्लेस किया। लेकिन जीनियस के साथ एक स्पेशल कंडीशन है, द वर्ड जीनियस हैज ए स्पेशल कंडीशन, एंड कंडीशन इज दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड कंटेन्स टू प्लुरल जीनियाई एंड जीनियसिस। बट वन क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, वन क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड दैट द यूजेज ऑफ दीज टू वर्ड्स आर सेम और द यूजेज ऑफ दीज टू वर्ड्स आर नॉट सेम। So for your kind information, I want to tell you that the usage of these words are not same. There are some differences. There is a difference between the usage of these words. इन शब्दों की यूज के बीच में अंतर है। अंतर क्या है, देखिए जब हम जीनियस तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए किसी के लिए हम जीनियस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब पुनल की बात हम करेंगे और सामान्य लोगों की प्रतिभा की बात करते हैं, when we talk about the talents of common people, in that case we have to use genii in the case of plural noun. But as far as we talk about the special persons, महान लोगों की बात हम करते हैं, ग्रेट पीपल की बात करते हैं, और उनकी प्रतिभा की बात करेंगे, तो वैसे स्थिति में हम जीनियाई का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, जीनियसेस का यूज करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूज हरले साहब करेंगे। एक कंडीशन और मैं बताने वाला हूं आपको, आई एम गोइंग टू डील विथ वन मोर कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि एक शब्द होता है, आपको पता है सिलेबस क्या होता है, एक शब्द सिलेबस, देयर इज वर्ड सिलेबस, और हमने अभी बताया आपको कि सिलेबस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसके पुल्लिंग बनाने का तरीका होता है यूएस को आई से रिप्लेस करके इसको पुल्लिंग बनाते हैं हम, और इसकी भी दो पुल्लिंग होते हैं और एक तरीका होता है ये। चलिए कम टू नेक्स्ट वर्ड, वी हैव अ वर्ड सिलेबस एंड आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट द वर्ड इज फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन, बट दिस पर्टिकुलर वर्ड कंटेन्स टू पुल्लिंग, द सेलेबी सॉरी सेलेबी और सिलेबसेज। अब सवाल उठता है कि किसका कहां पर यूज करें, क्या दोनों के यूजेस में डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, यहां पर दोनों के यूजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप सिलेबी का भी यूज कर सकते हैं और सिलेबस का भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो यूज है ना, इसका ये वाला पुलर ज्यादा पॉपुलर है, हालांकि आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए जीनियाई और जीनियसिस का ऐसा कंडीशन नहीं है, जीनियाई का अपना सेपरेट कंडीशन और जीनियसिस का अपना सेपरेट कंडीशन, लेकिन जब हम बात सिलेबस की करते हैं तो सिलेबस के भाई दो पुलर होते हैं, एक होता है सिलेबी और एक होता है सिलेबस सिलेबसेज। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबी का यूज कहां पर करना और सिलेबसेज का यूज कहां पर करना, इसके लिए कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इसके तुलना में ज्यादा पॉपुलर, कौन, द वर्ड सिलेबसेज इज मोर popular than the word syllabi, ये important है, इस बात को ध्यान में रखिए। हालांकि आप दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, you are free to use either of the words, उसके लिए कोई contradiction नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो तत्काल हम लोग पढ़ रहे हैं Latin words, हालांकि आप ये इन शब्दों का प्रयोग धरले से इंग्लिश लैंग्वेज में हम करते हैं, तो हमने उन शब्दों के बारे में चर्चा किया जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन इन शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ है, यूएस लगा हुआ है। ये सभी सब सिंगुलर होते हैं, इनको जब पुल्लिंग बनाने की बात आती है तो यूएस को आई से रिप्लेस किया जाता है, और यूएस को आई से रिप्लेस करके हम इसको पुल्लिंग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि हमारे पास दो शब्द हैं जीनियस और सिलेबस, इसके साथ कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसको मैंने यहाँ पर डील किया, आप इन चीजों को याद रखेंगे और इन्हीं थ्योरी के आधार पर आप शब्दों का यूज करेंगे, फिर लैटिन वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कुछ नए चीजों को देखते हैं, नए ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यू ग्रुप। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ग्रीक, लैटिन से भी लिया गया शब्द को और ग्रीक से भी लिया गया है, हम वैसे नाउ उसकी चर्चा करने जा रहे हैं जो कहां से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। चलिए कुछ शब्दों को देख लेते हैं आप, एक शब्द देख लीजिए, एक शब्द है बेसिस, इट्स ओके, एक शब्द है क्राइसिस, इट्स ओके, एक शब्द है हाइपोथेसिस, इट्स ओके, ओसिस, इट्स ओके, थेसिस, इट्स ओके। ध्यान से देखिए इन शब्दों को, दीज आर द वर्ड्स एंड दीज आर फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक से हैं लिए गए शब्द, ग्रीक
नाउन इसको आप बोल सकते हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तत्काल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर वर्ड्स हैं उन शब्दों को लिखा। अब देखिए होता क्या है, ये ग्रीक भाषा के शब्द है और इन सभी शब्दों के अंत में आई एस लगा हुआ है, आई और एस, आई और एस, आई और एस, ये सभी शब्द सिमिलर है। इस बात को मैं लिखता हूं, द वर्ड्स फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक हैविंग आई एस इन देयर एंडिंग्स आर सिमिलर एंड टू मेक देम प्लूरल आई एस इज रिप्लेस्ड बाय ई एस, आई एस इज रिप्लेस्ड बाय ई एस। आई एस को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ई एस से रिप्लेस कर दिया जाता है। ग्रीक भाषा के शब्द मतलब ग्रीक भाषा के नाउन, ये सभी ग्रीक भाषा के नाउन है, ये सभी सिंगुलर नाउन है। अब इनको प्लूरल जब बनाना है तो इनको आई एस को किससे रिप्लेस किया जाता है, ई एस से रिप्लेस किया जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे बेसिस है ना, इसका प्लूरल जब करेंगे तो हो जाएगा ये, देखिए यहां पर बी एस आई एस को ई एस में तब्दील कर दिए, क्राइसिस, उसी तरह से हाइपो थेसिस, उसी प्रकार से ओएसिस, उसी प्रकार से थेसिस, ऐसे करके आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। ये ग्रीक नाउन्स हैं, इनके अंत में आई एस लगा हुआ है, ये सभी सब सिंगुलर होते हैं। जब इनको प्लूरल बनाने की बात आती है तो आप आई एस को ई एस से रिप्लेस करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, रिप्लेस करना है, ऐड नहीं करना है। जैसे आप गलती कहां पर करेंगे, जैसे आप इसको ये जो मान लीजिए कि ये बेसिस है, इसमें आप ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्राइसिस का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, क्राइसिस सी आर आई एस आई एस, इसमें आप ई एस जोड़ने की गलती करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीक भाषा के शब्द ग्रीक नाउंस जिसके अंत में आई एस लगे रहते हैं ये सिंगुलर होते हैं, जब इनको प्लूरल बनाने की बात आती है तो आई एस को ई एस से रिप्लेस करते हैं और ऐसा करने से हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन प्राप्त करते हैं। इट्स ओके, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज है। आगे देखिए, आगे मैं फिर दिखलाने वाला हूं आपको, चलिए फिर मैं ग्रीक वर्ड की ही बात कर रहा हूं, ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक शब्द है। चलिए ये शब्द देखिए, क्रिटेरियन, और एक शब्द होता है फेनोमेनन, फेनोमेनन। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनके अंत में क्या लगा हुआ है, ओएन लगा हुआ है और ये सिंगुलर है। ठीक है, पहले देखिए होता क्या है, द वर्ड्स From the language Greek having ON in their in the last are singular and to make them plural ON is replaced by A। ON को किससे रिप्लेस करते हैं, A से रिप्लेस करते हैं। मतलब ग्रीक भाषा के वैसे शब्द जिसके अंत में ON लगा रहता है, ठीक है, वहां पर आप ON को A में कन्वर्ट कर देते हैं, ON को A से रिप्लेस कर देते हैं, ON को हटाते हैं उसके जगह पर A ला देते हैं, तो हमारा सिंगुलर जो है वो प्लूरल हो जाता है। मतलब अभी क्राइटेरियन और फेनोमेनन क्या होता है, सिंगुलर है, जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया और फेनोमेना, फेनोमेनन, क्या लिखा मैंने, फेनोमेनन का प्लूरल क्या हो जाएगा, फेनोमेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों वर्ड काफी पॉपुलर वर्ड है, इन शब्दों का आप धरले से यूज करते हैं, तो आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे कि क्राइटेरियन एक शब्द होता है, ये लैटिन भाषा ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके अंत में ओएन लगा हुआ है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ओएन को इससे रिप्लेस करते हैं, यानी कि क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। फिर हमारे पास एक शब्द होता है फेनोमेनन, मैं आपको बता दूं कि फेनोमेनन एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर ग्रीक नाउन है, इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, फेनोमेना हो जाता है।
तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तत्काल मैंने थोड़ा सा कुछ थ्योरी डील किया है, इससे आधारित मैं कुछ होमवर्क सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे फिर, तो इस होमवर्क को चेक करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो होमवर्क के रूप में आज आपका हो जाएगा, आर पी सिन्हा की बुक है, आपको पता है बुक, आप पेज नंबर 171 पर जाएंगे और 171 पे जो भी थोड़ा होमवर्क मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बुक आपके पास पता होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम होमवर्क को चेक करने के बाद फिर आगे की थ्योरी को प्रोसीड करेंगे। तो तत्काल इनको देखिए और इन शब्दों को याद कीजिए, क्योंकि जिन जिन शब्दों को मैंने बोर्ड पर लिखा है ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको इन शब्दों का यूज करना पड़ता है। अगर आप इन शब्दों के सही फंक्शन को नहीं जानते हैं, इनके यूजेस को नहीं जानते हैं, तो आपसे गलतियां होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।